नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, सोशल मीडिया पर पब्लिक चटकारे ले रही है कि बीजेपी से एक नया नाम आया है पीएम दावेदार का। भले कई बार लोग इस बात को लेकर बहस करते हैं कि क्या पीएम मोदी के बाद सीएम योगी का नंबर आ सकता है या अमित शाह को आगे किया जाएगा, लेकिन अब विनोद अग्रवाल नाम के बीजेपी नेता ने ऐसा कारनामा किया है जिसे लेकर रवीश कुमार सहित कई पत्रकार और बुद्धिजीवी सोशल मीडिया पर चटकारे ले रहे हैं कि विनोद अग्रवाल को अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए। विनोद अग्रवाल ने आखिरकार ऐसा क्या किया है? ये पीएम मोदी के साथ आप उनकी फोटो देख सकते हैं। इसके अलावा सीएम योगी के साथ भी आपको उनकी फोटो नजर आ रही है उनके बायो में। दोस्तों, बीजेपी नेता विनोद अग्रवाल मुरादाबाद के मेयर हैं, महापौर हैं, और पीएम मोदी के जन्मदिन पर उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर पब्लिक हैरान रह गई कि इन्होंने तो पीएम मोदी को भी पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि विनोद अग्रवाल ने आखिरकार ऐसा क्या किया है जो सोशल मीडिया पर वो छा गए हैं और पब्लिक कहती है कि ये प्रधानमंत्री के अगले दावेदार हैं। इन्होंने तो प्रधानमंत्री को भी पीछे छोड़ दिया, लेकिन किस मामले में पीछे छोड़ा है? विनोद अग्रवाल का एक वीडियो पत्रकार सचिन गुप्ता सोशल मीडिया पर शेयर करते आप देख सकते हैं। रक्तदान कर रहे हैं मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल, लेकिन कैसे रक्तदान कर रहे हैं ये आप देखिए। ये रक्तदान के लिए लेट गए, उसके बाद डॉक्टर जैसे ही रक्त लेने लगते हैं कहते कि भैया लेना मत, बस फोटो खिंचाना है। उसके बाद आप देखिए, कुछ सेकंड का खेल है, ये फोटो सेशन हो गया और देखिए हंस रहे हैं। और ये डॉक्टर ने हटा लिया सब तामझाम और विनोद अग्रवाल का रक्तदान हो गया, बिना रक्त दिए ही रक्तदान हो गया। और इसे लेकर सोशल मीडिया पर विनोद अग्रवाल का बन गया है भारी मजाक। सचिन गुप्ता एक और फोटो शेयर करते हैं इस वीडियो के साथ। ये फोटो है स्क्रीनशॉट जो पोस्ट किया था ये महान रक्तदान करने के बाद विनोद अग्रवाल ने, कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 74वें जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा मुरादाबाद महानगर द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान कर सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया। तो दावा किया कि सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है, फोटो खिंचाकर कहते कि रक्तदान कर दिया, इतना बड़ा पुण्य कर दिया। कहा जाता है कि रक्तदान महादान होता है, तो महादान का दावा करते हैं विनोद अग्रवाल और बाकायदा फोटो पोस्ट करते हैं, कई फोटो पोस्ट करते हैं और अपना भी एक फोटो पोस्ट करते हैं कि देखिए मैंने भी रक्तदान कर दिया। हालांकि सोशल मीडिया पर जब थूथू हुई, वीडियो सामने आया, मजाक बना, तो भाई साहब ने ये वाला पोस्ट डिलीट कर दिया अपने अकाउंट से। इसके बाद दोस्तों क्या लिखते हैं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार, क्या कहते हैं इस महान रक्तदान को लेकर? अगर इन्हें अवसर मिले तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। विनोद अग्रवाल ईमानदार हैं, वो जानते हैं कि इतना भर नाटक काफी है। इसके अलावा सुरभि क्या लिखते हैं, मोदी जी की तरह शानदार एक्टिंग कर रहे हैं, ये मोदी जी की बराबरी के हैं। वहीं प्रियंका भारती लिखती है कि ये तो मोदी जी से भी दो कदम आगे निकले, प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं भाई साहब में। तो इस तरह पब्लिक और पत्रकार मजे ले रहे हैं कि देखिए फोटो सेशन कराने की सारी सीमाएं पार कर दी इन नेताजी ने, इनमें प्रधानमंत्री बनने के गुण है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी फोटोजीवी। कई बार विपक्षी नेता आरोप लगाते कि कैमरा जीवी और फोटोजीवी है प्रधानमंत्री। और सुप्रिया श्नेत ने बीजेपी के इन महान नेता को लेकर भी कटाक्ष किया, और क्या कहती है सुप्रिया श्नेत, ये वीडियो वायरल हुआ तो सुप्रिया श्नेत ने भी शेयर किया और वो कहती है कि यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी मेयर विनोद अग्रवाल प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान करने गए, जब तक कैमरा चला लेटे रहे फिर भग लिए, एक से एक फ्रॉड भरे पड़े हैं इस पार्टी में। दोस्तों मजाक की बात अलग है, लेकिन एक गंभीर बात यह है कि रक्तदान जैसे मसले पर क्या इस तरह मजाक करना चाहिए? मतलब क्या ऐसा दिखावा, अगर आपको फोटो खिंचाना था तो थोड़ा सा रक्त दे देते। तो विपक्षी नेता और पत्रकार विनोद अग्रवाल पर बीजेपी का मजाक उड़ा रहे हैं, पीएम मोदी को भी ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मजाक से अलग आप सोच कर देखिए, रक्तदान कहा जाता कि महादान है, बड़ा पुण्य का काम है, उसमें भी मजाक चल रहा है। नेताजी दांत निकाल रहे हैं, आप देखिए किस तरह डॉक्टर के सामने किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह हा हा ही चल रहा है फोटो सेशन के को लेकर। मतलब इतना भी क्या दिखावा, क्या नौटंकी समझा है रक्तदान को? ऐसे लोग समाज सेवी होने का दावा करते हैं विनोद अग्रवाल, थोड़ी शर्म आनी चाहिए आपको। हालांकि शर्म आपको आई है, इसलिए आपने पोस्ट डिलीट भी कर दिया, लेकिन दोस्तों कायदे से मजम्मत होनी चाहिए ऐसे नेताओं की। पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोग कितने दिखावटी हैं, कितना झूठ बोलते हैं।
और इतने मासूम है कि झूठ पकड़ा भी जाता है, मतलब कैमरे के सामने भी नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि वीडियो बनाने वाले ने भाई साहब का भरोसा तोड़ दिया और इंटरनेशनल मजाक बन गया है ऐसे रक्तदान का। आप ऐसे समाजसेवी नेताओं को लेकर क्या सोचते हैं कि आखिरकार ऐसे तेजस्वी लोग कहां से आते हैं और ये कैसे कैसे जनता को मूर्ख बनाते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।